अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह ही निकल गए हैं हम, सिटी की दूसरी तरफ जाएंगे हम स्टडी करने। आज देखें बैग पहना हुआ मैंने साथ, अभी भी घर से निकले हैं, अभी तो सूरज ग्रुप भी नहीं हुआ। ये निकले फजर का टाइम अभी बाकी है, चलें सिटी चलते हैं स्टडी करने। ये देखिए मैंने बैग पहना हुआ है, स्टडी करना है सिटी से भी दूर उस साइड है, तो भी हमें एक या दो घंटे लगेंगे उधर उस जगह पर पहुँचने के लिए। तो क्या करते हैं हम, अभी तो थोड़ा सा हमने पैदल चल के जाना है। रूटीन आज हमारी ये है कि अभी तक तो फजर का टाइम पड़ा हुआ है, हम फजर भी पढ़ सकते हैं, मतलब टाइम का बताने के लिए कह रहा हूँ। तो मैं इस वक्त घर से निकल रहा हूँ और मैंने घर वापस आना है इशा के टाइम, घर वापस पहुँचूँगा। ये रूटीन है आज मेरी। चलें अभी हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। लेट हो गए हम, घर के पीछे वाली साइड पे ही स्टेशन है, लेकिन मैं तो अभी लेट हो गया हूँ, हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना था। सर से हम शायद जा सकते हैं, जगह मिले नहीं मिलती तो फिर वापस आना पड़ता है, रोक टाइम वेस्ट होता है। जल्दी वाली ट्रेन मिल जाए यार, चलें देखते हैं लोकेशन आपको मिलती है ट्रेन के नहीं, और आपको मिलते हैं स्टेशन पर ही। जिस ट्रेन पे जाना वो शायद देखो, ये तो अच्छी बात होगी। लेट है कि चल पड़ी है पूरे घंटे बाद ट्रेन आएगी, लेट होगी। वो ट्रेन जा रही है, चली गई। ये हमने इधर कार्ड लगाया, हम इधर नीचे स्टेशन जाएंगे, देखते हैं कितने बजे आ रही है ट्रेन। ट्रेन के आने में तो अभी है 34 मिनट्स बाकी पड़े हैं अभी। सही कहा था, लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। चलें कोई नहीं, अब ट्रेन आती है तो चलते हैं। लो जी हमारी ट्रेन आ गई, हम जाएंगे सिटी। बस दो ट्रेन, ये बटन क्लिक करने में फिर बड़ा ओपन हो जाएगा। ये आदमी है दोनों इधर बैठ जाता है, इधर बैठेगा किसी ने आया जगह नहीं किया दे देंगे। चलो कोई नहीं, एक छोटा सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं, इधर तो सूरज अच्छा नहीं आएगा, ट्राई करते हैं। ऐसे साइड निकालते नहीं तो ऐसे चलता नहीं।
तो अभी मैं थोड़ी सी स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो कॉल करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो आप पहुँच के उठते हैं अभी दरमियान में, क्या मेरा सदर्न क्लास पहुँच गया है अभी तक, आगे अपनी ट्रेन चेंज करेंगे जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं हमने कौन सी ट्रेन पकड़नी है पहले। नाम भी याद आ कई बार ये भी देख लेते हैं कि जाना किधर है, कोई और ट्रेन उस टाइम से पहले आपको कहीं और लेगी, उधर उसी जगह पे लेके जा रही होती है जहाँ पे आपने जाना है। तो यहाँ पर तो कोई ट्रेन ऐसी नहीं, देख सकते हैं आप इधर, ये इतना बड़ा स्टेशन है इधर, इतनी यानी कि एयरपोर्ट वाली वो आती है, फीलिंग आती है, वो इतनी ट्रेनें आ रही हैं। जैसे आगे तक जाके प्लेटफॉर्म्स हैं, आई थिंक ये इससे आगे एक और है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है ये देखना पड़ेगा। चले मैं प्लेटफॉर्म फाइंड करके ना फिर दिखाता हूँ। ये मैं आ गया था, इधर बैठ गया था, बताना भूल गया, इस स्टेशन से मेरी ट्रेन जानी है 14 नंबर। अभी 3 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट बाद ट्रेन आएगी तो फिर चलेंगे। आई थिंक बाद में मैंने एक बस पे बैठना है, बस से उतर के फिर थोड़ा पैदल चलूँगा और पहुँच जाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन पे। उधर आज आई थिंक पूरा दिन मैंने स्टडी करनी है, तो एक कोर्स है वो कोर्स करूँगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद कोई काम है वो काम कर सकते हैं। आज ये है ट्रेन जिसमें बैठ के हमने जाना है लाहौर शहर, शहर जाना है, लाहौर शहर नहीं है। लाहौर शहर का ले बहुत टाइम है। चलो भैया बह के चलने असं कितने चलने, वो मैंने पता कितने जाना है, तुम बस वेट से जाओ अगे हों की है। बड़ी हौली चला रहे हैं यार, उस तो बाद मैं उस वेला की काम कर दें, असं इतने बहने खाली है, खाली बैठा लेकिन है ना दो चार बंदे इतने, चलो कोई नहीं चंगा हाँ बस बंद हो गया तो बाद अभी फिर चलने टाइम तो लगना पहुँचते हैं। चलो उन्नी देर मैं थोड़ी जी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लो, चलो ओके। मैं क्या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी चलती रहेगी नाल ही, तुम चलो बाहर बाहर क्या बिल्डिंग के बिल्कुल नाल टुरते जा रहे हैं उतला पास का शायद उस पास ही रह नजर आए, एक मिनट उत जाने हैं। मेलबर्न शहर से नज़ारे करो, मजे करो, इंजॉय करो। ओ वाह फेरिस व्हील, वो तो फेरिस व्हील भी है। चलो कोई नहीं एक और प्लान बन गया, इतने इंशाल्लाह कभी जावे सैर करा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते रहो बस, जो तो अल्लाह की मर्जी है अल्लाह बुला रहे हैं। उतर के कुछ चुके नहीं चलो जी, बहुत होगी पंजाबी, अब थोड़ी सी उर्दू में बात करते हैं हम, उर्दू भी अब फॉरेन लैंग्वेज लगने लग गई है क्योंकि हम इंग्लिश बोलते हैं, वो भी नहीं आती। चले ओके, मैंने पढ़ाई करनी थी, हम मिलते हैं हमें। ये देखें पीछे मेरे स्टेशन में, स्टेशन पहुंच गया था, अभी हम चलते हैं जिधर हमने कोर्स करना है उधर चलते हैं, लेट हो गया घंटा लेट हो गया, जल्दी करते हैं। इधर से भी नीचे जा सकते हैं लेकिन मैंने दोनों को थका लिया, लेकिन इधर से चलते हैं नीचे, नीचे जाने में कौन थकता है। बस में पहुंच गए, बस अभी इधर रुकी पड़ी है, पता नहीं कब चलेगी,
आई थिंक यही वाली ना बस, एक बार मैप पे देख लेते हैं, गलत बैठ गया हूँ तो लेट हो जाऊँगा। जिसने जिधर जाना होता है उसको पता होता है उसने किधर रुकना है, तो वो अपने स्टेशन पे पहुँचने से कोई 500 मीटर पहले ये बटन दबा दे तो बस उधर रुक जाती है, अगर स्टॉप का बटन ना दबाओ तो बस नहीं रुकती आपके लिए, अगर रुकेगी भी तो अगर उस स्टेशन पर कोई लोग बैठे हैं इस बस पे आने के लिए तो इस उनको पिकअप करने के लिए रुक जाएगी, अगर कोई नहीं है तो वहाँ पे रुकेगी नहीं, वहाँ से स्ट्रेच वाले स्टेशन मिस करके आगे चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंस्टीट्यूट पहुँच गया था, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अभी मैं उधर से बाहर आया हूँ। प्लान तो ये था कि मैं दोबारा बस वगैरह ट्रेन वगैरह पकड़ के जाऊँगा, और ये अल्लाह वाले भाई मिल गए हैं, इन्होंने होती बताया कि मैं इधर मेरे घर के करीब रहते हैं तो उधर मुझे साथ लेके जा रहे हैं, खुद ही अपने से कह के लिफ्ट दिए हैं, लाइन बरकत दे की लाइफ इजी करे। चलें फिर आपको मिलते हैं घर जाके। सिटी के पास से गुजरते हुए सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, दूर से देखें तो अच्छी लगती हैं, करीब जाके देखें तो बहुत गंदा है सिटी। अभी थोड़ी देर आई थिंक गाड़ी सिटी में से गुजरे शायद। ये वाली बिल्डिंग बड़ी प्यारी लग रही है, पीछे छुपी हुई फोटो बनती है इसकी, ये खींच के आज सिटी में जाते हुए प्यारा प्यारा लग रहा है, वैसे गंदा गंदा लगता है। आई थिंक चलने लग गया ना सिटी में, उतर गया 5-11 पे, अब आई थिंक गंदा गंदा महसूस होता है। आई थिंक वैसे भी साफ ही है, आई थिंक मैं कंसिडर कर सकता हूँ, साफ ही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख सकता। चलो कोई नहीं, इसका टाइम लैप्स बनाते हैं। भाई ने मुझे मेरे घर के करीब के स्टेशन पे उतार दिया, मैं इधर बैठ के अपने घर जाऊंगा। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुझे अपने साथ लेंगे। ये मेरे सामने ही आ रहे हैं भाई, ये सामने, इन्होंने अभी वॉशरूम जाना था तो अभी वो वहाँ वो अपने काम जाएंगे और मैं अपने काम। चलें अब कार्ड लगाते हैं। खुल गया, मैं गुजरा, मुझे पीछे बंद हो गया था, अब दूसरा बंदा आ रहा। हाँ मैंने इस तरफ नीचे जाना है अपने घर की तरफ। मेरी सोच के मुताबिक सुबह का प्लान तो यही था कि सुबह मैं फजर टाइम निकलूँगा और रात को इशा के टाइम पहुँच जाऊँगा, लेकिन जैसे अल्लाह के प्लान होते हैं हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी ये सीन है कि कोर्स वाली जगह से मुझे ज़रा जल्दी फ्री हो गया था कोर्स, यानी कि जल्दी ख़त्म हो गया था, जो कि बहुत ही जल्दी कह सकते हैं। आई थिंक असर के टाइम के आई थिंक असर हो गई थी या असर होने वाली थी, उस टाइम कोर्स ख़त्म हो गया था। और ये भाई के साथ मेरे वैसे उधर बैठे बैठे ना अभी बात चल पड़ी कि आप किधर रहते हैं, मैं किधर रहता हूँ, अपनी जगह बताई रहने की। तो कहते मैं तो इधर ही करीब रहता हूँ जिधर आप रहते हो, आप मेरे साथ ही आ जाना। तो इन्होंने खुद अपनी तरफ से पूछ लिया और फिर खुद ही मुझे अपने साथ ले आया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझा था कि इन्होंने पूछ लिया तो मैंने भी वैसे ही हाँ कर दी, मैं भी वैसे ही अपनी तरफ से खुद ट्रेन पर जाने लगा था। इन्होंने फिर स्पेशल मुझे रोका कि आपको मैंने कहा तो आप मेरे साथ चलेंगे, तो मैं इनके साथ आया हूँ, इन्होंने मुझे स्टेशन तक रोका, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो अभी मैं घर पहुंचता हूं, ये ट्रेन आ गई है मेरी, इस पर बैठ के घर पहुंचते हैं और इंशाल्लाह
कार पहुंचने के बाद भी लोग एंड करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, हम पहुंच गए हैं ये घर के पास वाले स्टेशन। अब ये दस हम घर जाएंगे, आप देखते होंगे। मोबाइल लगाता हूँ, मोबाइल में कोई ये कार्ड पड़ा है इस वजह से रिकॉर्ड हो जाता है और 15 दिन बाद। वैसे मोबाइल के अंदर वाली ऑप्शन भी है कि मोबाइल का NFC यूज़ कर भी होता है, वो फिर अलहदा सिस्टम है, वो मेरे पास नहीं है। ये मैं टच किया फिर ओपन हो गया। हम इस गए, अब मैं घर जाते तो आपको रास्ता दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं इधर से ही आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं क्या चीज़ मैंने गलत की है, तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके थैंक यू, बाय बाय। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, हम इस हालत में घर पहुँचे हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी था, फिर इंशाल्लाह कभी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हैं मैं इस वीडियो में क्या चीज़ें मिक्स की और क्या क्या चीज़ें मैं इस वीडियो में ऐड कर सकता था, यानी कि मैं मेरी मिस्टेक्स आप बता सकते हैं, और जो चीज़ें मैंने अच्छी की हैं उनके बारे में बता के ये भी कह सकते हैं कि मैं इनको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपकी फीडबैक का बहुत फ़ायदा होगा, प्लीज़ ट्राई करें कमेंट्स में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस इससे बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके बाय।